हेलो स्टूडेंट, आई एम काजल मिश्रा, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 7. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल फाइबर्स. दैट मीन्स कि वैसे फाइबर जो हमें ऑब्टेन होते हैं एनिमल से, उसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे. क्लास 6th में हमने पढ़ा था जो फाइबर्स होते हैं वो, यानी कि जो धागे होते हैं उनसे कपड़े यानी कि फैब्रिक कैसे बनते हैं. फाइबर्स टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था. फाइबर टू फैब्रिक मीन्स धागों से कपड़े कैसे बनते हैं. यहाँ तक हमने ये भी देखा था कि जो हमारे प्री हिस्टोरिक मैंस थे वो किस टाइप के ड्रेस वेयर करते थे, उन्होंने कैसे इन्वेंट किया ड्रेसेस को. सो फाइबर्स टू फैब्रिक ये चैप्टर हमने पढ़ा था. उसमें हमने ये देखा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. दैट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, फाइबर के जो सोर्सेज होते हैं यानी कि फाइबर्स जहाँ से ऑब्टेन होते हैं, उनके बेसिस पे फाइबर को दो अलग पार्ट में डिवाइड अप कर दिया गया है, दो अलग कैटेगरीज में, दो अलग ग्रुप में डिवाइड अप कर दिया गया है. जो फर्स्ट है वो हमारा नेचुरल फाइबर, जो सेकंड है वो है मैन मेड फाइबर. सो नेचुरल फाइबर हमें ऑब्टेन होते हैं किसी ना किसी नेचुरल सोर्सेज से, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स मीन्स प्लांट बॉडी से और एनिमल बॉडी से. और जो मैन मेड फाइबर है इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जिसे इंसान खुद केमिकल से ऑप्टेन करता है, केमिकल से बनाता है, ऑप्टेन नहीं करता, केमिकल से बनाता है. डैट मीन्स कि मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर एंड दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन एटसेट्रा. एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर जस्ट लाइक एनिमल्स फाइबर. तो वेजिटेबल्स वगैरह जो जिनसे प्राप्त होने वाले जितने भी फाइबर्स थे हमने पढ़ लिए क्लासिक्स में. अब हमारे पास बारी है एनिमल्स से ऑप्टेन होने वाले फाइबर्स के लिए पढ़ना है हमें. सो अब हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं इन्हें क्यों प्रेफर किया जाता है, ये ड्रेसेस के फॉर्म में क्यों लिए जाते हैं, इनकी नेसेसिटी क्या होती है, प्लस एग्जाम्पल्स भी. सो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक. सो एनिमल्स का भी स्टार्टिंग फेज यानी कि एनिमल फाइबर का स्टार्टिंग फेज वैसे एनिमल्स होंगे जहाँ से हम ऑप्टेन करते हैं एनिमल फाइबर्स को, यानी कि एनिमल्स से ऑप्टेन किया जाता है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप लो वुल. वुल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वुल यील्डिंग एनिमल्स से. तो हमें स्टार्ट करना है ये चैप्टर यहीं से. ओके, आपने सारे सराउंडिंग मैटर्स भी समझ लिए. सो लेट्स प्रोसीड विथ वुल. सो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि विंटर सीजन में कभी भी प्रेफर किया जाता है वुलन क्लॉथ्स को, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न भी है और बहुत तगड़ा रीज़न. वो ये है कि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है एयर को ट्रैप करने की. और एयर ट्रैप के चलते जब आप वुलन क्लॉथ्स को पहनते हो तो वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर ट्रैप हो जाता है. इसके चलते आप जानते हो कि एयर जब ट्रैप हो गया, और एयर क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. दैट मीन्स कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है. और वुलन क्लॉथ्स पहनने से आपकी बॉडी में जो एयर ट्रैप हो जाता है और वहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपकी बॉडी का हीट आपकी बॉडी तक ही रहता है और आप वार्म फील करते हो ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में. इसीलिए वुलन क्लॉथ्स को प्रेफर किया जाता है. सो वुलन फाइबर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी वुल के बारे में. सो वुल जो है वो फ्लीस ऑफ एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं. ये फ्लीस क्या है? तो फ्लीस एनिमल्स के, यानी कि वुड यील्डिंग एनिमल्स के वैसे पार्ट, बॉडी के वैसे पार्ट जहाँ पे यानी हेयरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसे हम फ्लीस कहते हैं. ये जो फ्लीस है ये क्या होता है, एक बार फिर से समझोगे. फ्लीस जो है वो हेयरी ग्रोथ ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, यानी कि जब आप देखोगे किसी भी वुल यील्डिंग एनिमल्स को, तो वुल यील्डिंग एनिमल्स के पास बहुत सारे हेयर प्रोजेक्शन होते हैं. वो जो हेयरी ग्रोथ होते हैं उसे ही हम फ्लीस कहते हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. एग्जाम्पल देख लो, वुल यील्डिंग एनिमल्स के एग्जाम्पल गोट, सीप, या कैल्पका, लैम्बा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं.